हेलो दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नोमैड फिजिक्स में, और मैं देवेंद्र वर्मा। कल की क्लास में हमने डिफरेंशिएशन में कुछ इसके बेसिक फॉर्मूलाज देखे थे। 6 फॉर्मूलाज हम देख चुके थे, जो कि हमारे सिंपल एक वेरिएबल जो हमारा एक्स वेरिएबल था उसके रिस्पेक्ट में अगर हमें कोई फंक्शन दे दे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसके हमने 6 फॉर्मूलाज देखे थे। हम कुछ और फॉर्मूलाज इसके देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, फिर उन पर एक साथ क्या है कि क्वेश्चंस करेंगे। तो हेडिंग लगाओ डिफरेंशिएशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो अगर मुझे बोले कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, कोस एक्स। सेकंड, अगर हमें बोले कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा तो वो होगा साइन एक्स, बट वो माइनस में, ठीक है। थर्ड, अगर हमें बोले कि टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, तो वो होगा sec square x। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ cot x हमें बोले तो वो होगा माइनस cosec square x। अगर हमें बोले कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो वो होगा sec x tan x। और अगर हमें बोले कि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो वो होगा माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x, ठीक है। sin x का cosec, cosec का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होगा sec x tan x और cosec x का होगा माइनस cosec x cot x, ठीक है। ये तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके अगर डिफरेंशिएशन हमें सिंपली निकालने पड़ जाएं तो उनका आंसर ये होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, अगर मुझे बोल दे डिफरेंशिएशन ऑफ log e टू द बेस x है और उसका करना है डिफरेंशिएशन, तो उसका होगा सिंपली 1 अपॉन में x। अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दे तो उसका डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल के जो अपने यहाँ पर वेरिएबल है इसके साथ में कोई कॉन्स्टेंट दे दे तो इसका होगा ax, ठीक है। देखो एक्सपोनेंशियल का तो वही होगा e की पावर ax, लेकिन जो इसका कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा a e टू द पावर ax, ठीक है। तो ये अपने कुछ एक फॉर्मूलाज हैं 7th, 8th और 9th। तो 9 फॉर्मूलाज हम आज कर चुके हैं, 6 हमने कल के क्लास में किए थे, टोटल 15 फॉर्मूलाज हो चुके हैं। इनको आपको याद भी करना है और इन पर हम अभी प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चले हम आगे। क्वेश्चन देखते हैं अभी। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया y की वैल्यू दे दी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसका करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में dx। देखो पहले हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, बाद में हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर बीच में प्लस माइनस हो तो सबका अलग अलग करते हैं। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ टू एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन में डी एक्स। इसका कितना होगा, टू एक्स, इसमें टू बाहर आ जाएगा, एक्स का होता है वन, तो यहाँ से टू प्लस में ज़ीरो, आंसर कितना आया, टू एक्स प्लस में टू। सिंपली कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो इसमें 2x की जगह 2 कैसे आया, देखो इसमें स्टार्टिंग में बताता हूँ, इसकी पावर 2 थी, 2 आगे आ गई और 2 से 1 कम हो गया तो x की पावर 1 रह गई।
इसमें इसकी पावर 1 थी तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और x की पावर 0 बन जाएगी, 1 से 1 कम होकर 0 बन जाएगी, तो किसी की भी पावर 0 कितनी होती है 1, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डायरेक्ट कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये थे सिंपल प्लस वाले। अगर मुझे बोल दे, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं, अगर y की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ x तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x अपॉन में dx हमें निकालना है, यहाँ पर x की पावर कितनी 1/2, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 1/2 अपॉन में dx, सॉरी जो पावर 1/2 है वो आगे आ जाएगी, तो 1/2 x की पावर 1/2 है उसमें से 1 कम हो जाएगा, तो 1/2 x की पावर -1/2 बचेगा। अब ये माइनस की पावर प्लस में लाने के लिए अपॉन में ले जाते हैं, तो 1/2 x की पावर 1/2, या इसको लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ x, 1/2 रूट x इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, अगर y की वैल्यू दे दे x की पावर 7/2 तो इसका कितना होगा, तो इसका हमें निकालना है dy/dx, तो d ऑफ द x की पावर 7/2 अपॉन में dx कितना आएगा, 7/2 है जो आगे आ जाएगा, और x की पावर 7/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 7/2 x की पावर बच जाएगी यहाँ से 5/2, ये अपना आंसर है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले, ठीक है, अगर दो फंक्शन दे दे मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे हमें दे दिया y की वैल्यू दे दी x इंटू साइन एक्स, और हमें करना है इसका dy/dx, तो ध्यान से देखो, एक को मान लो u, दूसरे को मान लो v, इसको मान लिया u, इसको मान लिया v, और हमने बोला था कि अगर du/v/dx हो तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास du/dx मल्टीप्लाई में इसके v प्लस में dv/dx मल्टीप्लाई में इसके u, ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, पहले तो v को ऐसे ही लिखना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x का, प्लस में x को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा sin x का, सिंपल। तो यहाँ से देखो साइन एक्स का, तो साइन एक्स पढ़ाई है, एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस में एक्स यहाँ पर पढ़ा है, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो आंसर कितना आया साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, ये अपना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे देखो वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स हमने ले लिया, इसका अगर करेंगे dy/dx तो वही सेम मेथड, एक को मान लो u, दूसरे को मान लो v, दोनों मल्टीप्लाई में अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ से देखो कितना होगा, पहले तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन, पहले तो सिंपल sin x मल्टीप्लाई में e की पावर x का डिफरेंशिएशन, प्लस में क्या e की पावर x ऐसे ही पड़ा है, और डिफरेंशिएशन किसका, v का, मतलब sin x का, तो यहाँ से मेरे को बताओ साइन एक्स का, तो साइन एक्स पढ़ा ही है, ई की पावर एक्स, ये भी ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा, प्लस में ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो यहाँ से दोनों में कॉमन क्या आ गया, ई की पावर एक्स, अंदर क्या बच गया साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ये अपना आंसर है, नोट डाउन करो। फटाफट नोट डाउन कर लो इन्हें। नेक्स्ट देखो अपॉन वाले करते हैं, अगर मेरे पास दो फंक्शन अपॉन में दे दे, जैसे y की वैल्यू दे दी साइन x अपॉन में e टू द पावर x, और मुझे निकालना है dy/dx, तो ध्यान से देखो ऊपर वाले को u और नीचे वाले को मान लो v,
और हमने देखा था कि अगर मैं u अपॉन v का डिफरेंशिएशन करता हूँ, मान लो कि du अपॉन में v दे रखा है, उसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, du अपॉन में dx मल्टीप्लाई में इसके v माइनस में dv अपॉन dx मल्टीप्लाई में इसके u अपॉन में कितना v स्क्वायर, यही तो था। तो यहाँ से देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx कितना आएगा, v मतलब अपॉन वाला तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, du अपॉन dx ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, sin x का क्या होता है cos x, डायरेक्ट कर रहा हूँ v, sin x का होता है cos x, माइनस का sin, u ऐसे का ऐसे मतलब sin x ऐसे ही पड़ा रहेगा, मल्टीप्लाई में क्या v का डिफरेंशिएशन e की पावर x का होता है e की पावर x, अपॉन में e की पावर x का स्क्वायर आ जाएगा तो e की पावर 2x आ जाएगा, या इसको e की पावर x डॉट e की पावर x लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो दोनों में कॉमन क्या, दोनों में e की पावर x कॉमन, अंदर बचेगा cos x माइनस में sin x अपॉन में e की पावर x डॉट e की पावर x, एक e की पावर x से एक e की पावर x कट जाएगा, आंसर आएगा cos x माइनस में sin x अपॉन में e की पावर x, ये अपना आंसर है सिंपली, ठीक है। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमने अभी फॉर्मूलाज लिखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे हमने लिया था tan x, और tan x का डायरेक्ट हमने निकाला था sec स्क्वायर x, तो वो आया कैसे देखो ध्यान से। देखो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को करना है y इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो tan x की वैल्यू मुझे वैसे तो नहीं पता, मेरे को पता है कि इसको sin x अपॉन में cos x लिख सकते हैं, ठीक है, और अब करना है इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, तो ध्यान से देखना डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन में cos x अपॉन में dx, इसको मान लो u, इसको मान लो v, तो देखो u अपॉन v का क्या था, पहले तो करो क्या v को मल्टीप्लाई में u के डिफरेंशिएशन में, माइनस में u को मल्टीप्लाई में v के डिफरेंशिएशन में अपॉन में v स्क्वायर, यही तो था। तो यहाँ से v कितना cos x, मल्टीप्लाई में क्या u का डिफरेंशिएशन, साइन का क्या होता है cos x, माइनस में u को ऐसे कैसा sin x, मल्टीप्लाई में क्या v का डिफरेंशिएशन, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस का sin x अपॉन में कितना v का स्क्वायर, मतलब cos का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या बन गया, cos x इंटू cos x कितना cos स्क्वायर x, माइनस माइनस बन गया प्लस sin स्क्वायर x अपॉन में कितना cos स्क्वायर x, तो यहाँ से देखो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में cos स्क्वायर x, तो यहाँ से 1 अपॉन cos कितना होता है sec, तो sec स्क्वायर x, जो हमने फॉर्मूला लिखा था tan x का डिफरेंशिएशन वो कितना था sec स्क्वायर x था, ठीक है, ये कैसे आया आपको पता लग गया होगा। तो आपका काम क्या है इसके बाद, आपका काम है cot x, sec x और cosec x, तीनों का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है इसी मेथड से, ओके, उनको साइन और कोस में चेंज करना एंड देन उसके बाद में आंसर निकालना, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब देखो मैं कुछ एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ आपके लिए जो आपको घर से करने हैं, ठीक है, इसके बाद में आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है इनमें, और इनके आंसर हैं जो आप कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन नंबर देखो पहला क्या है अपने पास, अगर y की वैल्यू x की पावर 3 डॉट e की पावर 2x है, सेकेंड क्वेश्चन है अगर y की वैल्यू अपने पास e की पावर 3x डॉट sin x है, अगर y की वैल्यू अपने पास log e टू द बेस x और sin x मल्टीप्लाई में, फोर्थ क्या है अगर y की वैल्यू अपने पास log e टू द बेस x अपॉन में x की पावर 3, फिफ्थ क्या है अपने पास y की वैल्यू sin x डॉट cos x अपॉन में
कोस स्क्वायर एक्स, इसको सिंपली सॉल्व करके करना है, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आपको क्या करने हैं, खुद से प्रैक्टिस करनी है, एंड देन इनके आंसर्स हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन अपना ख़त्म होता है, इसके बाद में हम करेंगे इसके अंदर मिनिमा एंड मैक्सिमा नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही, और इन पर आपको प्रैक्टिस करनी है और इसके जो आंसर्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, आपको वीडियोस पसंद आए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर भी किया करो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।